फ्रेंड्स, क्या आप आपके बिजनेस प्रोफाइल को गूगल में आप नंबर वन पोजीशन पर आप रैंक कराना चाहते हैं? अगर आपका आंसर यस है कि हाँ, मैं मेरे बिजनेस प्रोफाइल को गूगल में मैं नंबर वन पोजीशन पर रैंक कराना चाहता हूँ, तो आपके लिए राइट वीडियो है। फ्रेंड्स, मैं मेरे खुद के बिजनेस को लास्ट 5 साल पे गूगल में नंबर वन पोजीशन पे कंटिन्यूसली रैंक करा रहा हूँ। सो ये 5 साल का जो अनुभव है गूगल माई बिजनेस पे, सो मैं आज आपको 5 टिप्स बताने वाला हूँ, जो टिप्स को यूज करके मैंने खुद मेरे बिजनेस प्रोफाइल को गूगल में हमेशा नंबर वन रैंक करा रहा हूँ। अगर आप आज के इस टॉपिक में आपने ये 5 टिप्स अच्छे से समझ लिया और आप उसको अगर इम्प्लीमेंट किए, तो आप भी आपके निश पे या आपके सेगमेंट पे आपके बिजनेस को आप टॉप पे आप रैंक करा सकते हैं। सो फ्रेंड्स, इमेजिन करिए वीडियो कितना इंटरेस्टिंग है। तो मैं 2 पार्ट में इस वीडियो को आपको बताने वाला हूँ। पहले मैं लाइव प्रूफ दिखाऊंगा कि कैसे मेरे जो बिजनेस है वो रैंक कर रहा है। उसके बाद मैं 5 टिप्स को इन डिटेल्स में बताऊंगा। सो वीडियो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको स्किप बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि अगर आप आपके बिजनेस को रैंक कराना चाहते हैं और आप सीरियस से कमिटेड है, तो इस वीडियो के एंड तक आपको बने रहना होगा। एंड में अगर फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट जरूर करना। अगर आपको लगता है कि वीडियो आपके कोई फ्रेंड्स के काम के है तो प्लीज उनको भी शेयर करना। हाँ फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस टाइप के टेक्निकल इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए हम फ्री ऑफ कॉस्ट में लाते रहते हैं। चले फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, ऑलरेडी मैं कंप्यूटर स्क्रीन पे आ चुका हूँ। जैसे कि मैंने आपको इंट्रो में बताया था, इस वीडियो को मैं आपको 2 पार्ट में बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा, मैं गूगल में सर्च करके आपको लाइव प्रूफ दिखाऊंगा कि कैसे हमारे बिजनेस जो है नंबर वन पोजीशन पर रैंक कर रहा है। तो आप यहाँ देख सकते हैं, मैं इनकॉग्निटो मोड पे हूँ गूगल क्रोम पे। तो यहाँ पे हम सर्च करते हैं, हमारे बिजनेस के रिलेटेड कोई भी क्वेरी हम करते हैं। तो जैसे फ्रेंड्स आप देख सकते हैं, मैं डिजाइनर वेडिंग कार्ड्स इन मुंबई सर्च किया और ये इनकॉग्निटो मोड पे कर रहा हूँ, तो मेरे सर्च हिस्ट्री वो नहीं उठाएगा। तो यहाँ पे देखिए, ये जो वर्धा डिजाइनर इन्विटेशन है, ये हमारा ही कंपनी है और टॉप वन पे रैंक कर रहा है। देखिए, टॉप थ्री में से ये टॉप वन पे रैंक कर रहा है। हालांकि आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो सेकंड पोजिशन पे रैंक कर रहा है, उनका रेटिंग्स 4.9 है और रिव्यू 202 है, जहां पे हमारा रेटिंग्स जो है सिर्फ 4.3 है और रिव्यू 90 है। यानी जो सेकंड पोजीशन पे है, उनके रेटिंग्स और रिव्यू हमसे ज्यादा है, उसके बाद भी हम नंबर वन पोजीशन पे रैंक कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, ये था लाइव प्रूफ जो मैं आपको सबसे पहले दिखाना चाहता था। अब आपको इस वीडियो बिल्कुल स्किप नहीं करना है, क्योंकि अब मैं आपको 5 टिप्स बताऊंगा, जो टिप्स को यूज करके लास्ट 5 साल से हमारे डिफरेंट लोकेशन, यानी जो भी लोकेशन पे हमारा बिजनेस है, वहां पे हम नंबर वन पोजीशन पे रैंक कर रहे हैं। सो ये फ्रेंड्स, आपको मैं अभी प्रैक्टिकल बताऊंगा कि वो टॉप 5 टिप्स जो है क्या है। सो बंद करते हैं ये इनकॉग्निटो मोड को। ओके, सो हम इनकॉग्निटो मोड को क्लोज कर दिए हैं, अब हम आ चुके हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे। यहाँ पे मैं आपको सबसे पहले जो पहला टिप्स जो बताऊंगा, वो है फ्रेंड्स आपका बिजनेस का प्राइमरी कैटेगरी। मतलब आपको हमेशा जो आपका बिजनेस का जो प्राइमरी कैटेगरी है, वो आपको राइट तरीके में सिलेक्ट करना है। जैसे कि मान लीजिए, यहाँ आपको सबसे पहले बता दूं, ये आपके प्रोफाइल जो है ना, इस टाइप के दिख रहे होंगे। कुछ लोगों का जब आप गूगल माई बिजनेस पे आप लॉग इन होते हैं, तो कुछ लोगों को इस टाइप के दिख रहे होंगे और कुछ लोगों को इस टाइप के दिख रहे होंगे। तो आपको वरी नहीं होना है, इस टाइप के अगर दिख रहे हैं तो ये पुराने डैशबोर्ड है, और इस टाइप के अगर दिख रहे हैं तो न्यू है। तो मैं आपको दोनों में कंपेयर करके दिखा दूंगा, इसके लिए आपको वरी बिल्कुल नहीं होना है। सो जैसे कि मैंने आपको पहला पॉइंट बताया, आपको आपका जो प्राइमरी कैटेगरी है वो ठीक से सिलेक्ट करना है। अब यहाँ पे मैं आपको सर्च करके दिखा देता हूँ। देखिए, जैसे कि हमने यहाँ पे डिजाइनर वेडिंग कार्ड्स इन मुंबई लिखा हुआ है, और यहाँ पे आप देखेंगे हमारे कंपनी के नीचे जो है ना, ये वेडिंग सर्विस जो लिखा हुआ है, वो ये हमारे प्राइमरी कैटेगरी है। और सेकंड में देखिए, ये वाले जो कंपनी है, उनका ये इनविटेशन प्रिंटिंग सर्विस जो लिखा हुआ है, वो उनके प्राइमरी कैटेगरी है। अभी थर्ड में देखिए, जो लिखा हुआ है ग्रीटिंग्स कार्ड शॉप, ये इनके प्राइमरी कैटेगरी है। तो सबसे पहले आप चेक करिए कि आपने आपका प्राइमरी कैटेगरी क्या डाला हुआ है। अब आपको राइट प्राइमरी कैटेगरी डालना है। लोग यहाँ पे बहुत बड़ा गलती करते हैं, प्राइमरी कैटेगरी ठीक से नहीं डालते हैं, या फिर जो भी डालते हैं वो गलत डाल देते हैं। तो यहाँ पे आपको अगर नहीं समझ आता है, आपको मान लीजिए कि बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं है, ऐसे केस में सिंपल ट्रिक्स आपको अपनाना है। आपके इंडस्ट्री में जो टॉप पे रैंक कर रहा है, आप उसका प्राइमरी कैटेगरी चेक करिए, जैसे मैं यहाँ पे आपको चेक करके बताया। सो उनका प्राइमरी कैटेगरी चेक करके वो सेम टू सेम प्राइमरी कैटेगरी आपका ऐड कर लीजिए, तो आप भी रैंक करने लगेंगे। क्या है ना, गूगल को कैसे पता चलेगा कि आप किस कैटेगरी में बिलोंग करते हैं? अगर आपका कैटेगरी, प्राइमरी कैटेगरी आप ठीक से डालेंगे, तो जाके गूगल को समझ में आएगा, गूगल को ये सिग्नल जाएगा कि आप इस स्पेसिफिक बिजनेस या ये प्रोडक्ट या सर्विस दे रहे हैं।
तो ये फ्रेंड्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मान लीजिए कि आप देखिए यहाँ पे इस टाइप के जो है ना, आपके खुद के भी प्राइमरी कैटेगरी चेक कर सकते हैं यहाँ पे, जैसे कि ये देख सकते हैं वेडिंग सर्विस लिखा हुआ है अगर आपका न्यू प्रोफाइल है। तो इस तरीके से ये था फ्रेंड्स आपका पॉइंट नंबर वन, प्राइमरी कैटेगरी आप अगर ठीक से नहीं सिलेक्ट करेंगे तो आपको दिक्कत हो सकते हैं, आप रैंक नहीं कर पाएंगे। ये पॉइंट छोटा लग सकता है लेकिन बड़ा धमाका है इसमें। चलिए फ्रेंड्स पॉइंट नंबर टू, पॉइंट नंबर टू है फ्रेंड्स कंप्लीट बिजनेस एड्रेस अलोंग विद राइट डायरेक्शन। इसका मतलब मैं आपको समझाता हूँ। जैसे कि देखिए यहाँ हमने सर्च किए हैं, मान लीजिए कि डिजाइनर वेडिंग कार्ड्स हमने सर्च किए हैं। सर्च करने के बाद मान लीजिए कि ये हमारे बिजनेस यहाँ रैंक कर रहा है। रैंक करने के बाद मान लीजिए कि यहाँ हम करते हैं क्लिक। यहाँ पे देखिए नीचे जो है ना हमारे बिजनेस का एड्रेस है, अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ आप देखेंगे आपको हमारे कंप्लीट एड्रेस दिखने लगेंगे। ये जो है ये हमारे कंप्लीट एड्रेस है। तो यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है आपका ये जो एड्रेस है हर जगह पे सेम होना चाहिए। यहाँ पे कॉमा फुल स्टॉप का भी फर्क नहीं होना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए कि एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ, यहाँ पे हमारा ये सेकेंड फ्लोर लिखा हुआ है, टू एनडी लिखा हुआ है, कोई ऐसे सेकेंड SECONDऐसे करके भी लिखते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है अगर आपके वेबसाइट है, अगर आपका डिफरेंट सोशल मीडिया में प्रेजेंस है, मान लीजिए कि आप इंस्टाग्राम में है, लिंक्डइन में है, ट्विटर में है, जहां पे भी आपका ऑनलाइन प्रेजेंस है हर जगह पे आपको सेम टू सेम एड्रेस डालना है। आपको एड्रेस टाइप नहीं करना है, आपको सीधा कॉपी पेस्ट ही करना है। गलती क्या होता है, डिफरेंट सोशल मीडिया पे आपका एड्रेस में कहीं ना कहीं फर्क होता है, कहीं पे कमा फुल स्टॉप का फर्क होता है, कहीं पे एड्रेस लिखने में फर्क होता है। जैसे मैंने आपको रोड कोई RD लिखते हैं, कोई ROAD लिखते हैं, सो इस टाइप का आपका फर्क होता है। अगर आपका थोड़ा बहुत भी एड्रेस में चेंज होगा तो गूगल को क्या सिग्नल जाएगा कि वो डिफरेंट बिजनेस है, ये डिफरेंट बिजनेस है। मान लीजिए कि आपके लिंक्डइन में आपका एड्रेस में डिफरेंट लिखे हैं और यहाँ पे आपकी वेबसाइट में एड्रेस डिफरेंट है, गूगल बिजनेस प्रोफाइल पे आपका एड्रेस डिफरेंट है, तो गूगल के लिए तीनों अलग अलग बिजनेस है। तो आपको अगर गूगल में अथॉरिटी आप बिल्ड करना चाहते हैं, जहां पे भी आपका प्रेजेंस है हर जगह पे आपका 100% एक्यूरेट एड्रेस होना चाहिए। ये छोटा सा टिप्स नहीं, ये ब्रह्मास्त्र है, लोगों को ये समझ नहीं आता है। सो ये मेरा 5 साल का अनुभव है जो मैं आपको पॉइंट नंबर टू बताया। तो आपका एड्रेस आप चेक कर लीजिए, अगर कहीं पे आपने अलग अलग एड्रेस डाले हैं तो उसको एडिट करिए, एडिट करके उसको चेंज करिए। तो ये था फ्रेंड्स पॉइंट नंबर टू। अब चलते हैं फ्रेंड्स पॉइंट नंबर थ्री। पॉइंट नंबर थ्री है आड़े वेबसाइट। आड़े वेबसाइट का मतलब ये है फ्रेंड्स, अगर आपका गूगल बिजनेस प्रोफाइल या गूगल माई बिजनेस पर आपका अकाउंट है, उसके साथ साथ मान लीजिए कि आपका एक स्टैंड अलोन वेबसाइट है, तो आपके गूगल बिजनेस प्रोफाइल पे आप वेबसाइट भी ऐड करिए। रैंकिंग फैक्टर में बहुत फर्क पड़ता है। यहाँ पे वेबसाइट ऐड करने के लिए देखिए आप इन्फो जो लिखा हुआ है, आपको इन्फो वाले सेक्शन पे आ जाना है। इन्फो वाले सेक्शन पे आने के बाद आप नीचे नीचे जाके देखेंगे, यहाँ पे देखिए जैसे कि ये बिजनेस का हमारा ये वाले वेबसाइट है, यहाँ पे अगर आपका नहीं है तो ये पेंसिल बटन पे आप एडिट करके इसको ऐड भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे अगर आपका न्यू प्रोफाइल है, यहाँ पे आप एडिट प्रोफाइल पे जाके देखिए जो एडिट प्रोफाइल लिखा हुआ है उस पे जाके आप आपका वेबसाइट ऐड कर सकते हैं। अब सबसे इंटरेस्टिंग बात है, मान लो कि हमारा वेबसाइट है नहीं, हमारा न्यू बिजनेस है वेबसाइट नहीं है, तो ऐसे केस में आप जस्ट 10 मिनट्स टाइम में आप आपका न्यू वेबसाइट बना सकते हैं। यहाँ पे ही यहाँ पे देखिए वेबसाइट लिखा हुआ है, इस पे आप क्लिक करके आप 10 मिनट के अंदर आप न्यू वेबसाइट बना सकते हैं। तो आइदर आपका अगर स्टैंड अलोन वेबसाइट होगा उसको यहाँ पे ऐड कर दीजिए, अगर वेबसाइट नहीं है यहाँ पे ही आप 10 मिनट्स में आप वेबसाइट बना लीजिए, कोई कोई नॉलेज का जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक आप कर लेंगे 10 मिनट में। सो फ्रेंड्स ये था मेरा पॉइंट नंबर थ्री रैंकिंग करने के लिए। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। आगे का जो पॉइंट है वो है एनपीए ऑडिट। एनपीए ऑडिट का मतलब ये है फ्रेंड्स, ये देखिए मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ, एनपीए ऑडिट आपको करना है। एनपीए का मतलब है एन स्टैंड फॉर नेम, पी फॉर फोन नंबर और ए फॉर एड्रेस। मतलब इसका ये है आपका जहां जहां पे भी प्रेजेंस है, आपके वेबसाइट है, आप गूगल बिजनेस प्रोफाइल पे है, आप मान लीजिए कि आप फेसबुक में है, इंस्टाग्राम में है, लिंक्डइन में है, ट्विटर में है, आपने इंडिया मार्ट पे है, आप जस्ट डायल पे है, यानी आप जहां जहां पे है हर जगह पे आपका सेम नेम होना चाहिए, हर जगह पे आपका सेम फोन नंबर होना चाहिए, हर जगह पे आपका सेम एड्रेस होना चाहिए। एक एग्जाम्पल देता हूँ, मान लीजिए नेम है हमारा, यहाँ पे देखिए हमारा यहाँ पे नाम जो लिखा हुआ है ना वो है बरदा डिजाइनर इन्विटेशन। अब हो सकता है कहीं पे मैं बरदा इनविटेशन लिखूं, कहीं पे हो सकता है
भरदा कस्टमाइज इनविटेशन लिखूं, कहीं पे हो सकता है खाली भरदा लिखूं। ऐसे केस में गूगल को रॉन्ग इन्फॉर्मेशन जाएगा, गूगल का लगेगा कि ये बिजनेस जो है सारे अलग अलग बिजनेस है। इसके लिए आपको हर जगह पे सेम नेम होना चाहिए, हर जगह पे सेम एड्रेस होना चाहिए, हर जगह पे सेम फोन नंबर होना चाहिए। तो आप चेक कर लीजिए आपका जहां जहां पे भी ऑनलाइन प्रेजेंस है वहां पे आपका ये NPA नेम फोन नंबर एड्रेस सेम है कि नहीं है। अगर नहीं है उसको एडिट करके उसको चेंज कर दीजिए। ये रैंकिंग में बहुत ही बड़ा फैक्टर है, लोकल रैंकिंग्स में स्पेशली इसका इंपॉर्टेंस बहुत ही ज्यादा है। तो इसका वेटेज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा। चलिए फ्रेंड्स, पॉइंट नंबर फाइव जो है आपको चेक इनसाइट्स, आपको इनसाइट्स चेक करने पड़ेंगे। क्योंकि आप अगर इनसाइट्स ठीक से चेक कर पाएंगे तभी जाके आप ऑप्टिमाइज कर पाएंगे आपके प्रोफाइल को। अगर आपका पुराना प्रोफाइल अभी भी आप देख रहे हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे इनसाइट्स लिखा हुआ है, ये देखिए इनसाइट्स लिखा हुआ है। अगर आप न्यू प्रोफाइल पे चेक करें यहाँ पे देखिए परफॉर्मेंस लिखा हुआ है। तो दोनों पे क्लिक करके आप जा सकते हैं। हम पुराने प्रोफाइल पे दिखा देते हैं क्योंकि बहुत सारे लोग अभी भी यही यूज कर रहे हैं। तो इनसाइट्स पे आपको क्लिक करके जाना है। यहाँ पे मैं नीचे से कुछ चीजें आपको दिखाना चाहूंगा। आपको इसमें ज्यादातर जो बहुत सारे चीजें हैं लेकिन जो मेजर इंपॉर्टेंट चीज है आपको क्या ध्यान रखना है, यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है, फोटो क्वांटिटी। फोटो क्वांटिटी का मतलब यह है, यहाँ पे देखिए यू लिखा हुआ है और नीचे बिजनेस लाइक यू लिखा हुआ है, यानी हमारे फोटो का क्वांटिटी कितना है और बिजनेस लाइक यू का फोटो का क्वांटिटी कितना है। यहाँ पे आपको हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा कि आपका फोटो का क्वांटिटी ज्यादा होना चाहिए इन कंपैरिजन टू बिजनेस लाइक यू, यानी आपके जिस टाइप के बिजनेस है जो आपके कंपिटिटर्स है उनके कंपैरिजन में आपका फोटोग्राफ ज्यादा होना चाहिए। यानी आपको ज्यादा से ज्यादा फोटोग्राफ्स अपलोड करने पड़ेंगे और ये कंटिन्यू करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आपने एक ही बार अपलोड कर दिए हो गया। ये सोशल मीडिया जैसे आपको हर दिन, हर हफ्ते में, हर महीने में आपको अपलोड करना पड़ेगा। तो ये रैंकिंग फैक्टर में बहुत फर्क आता है। मैंने इसी अकाउंट्स का आपको दिखाया, हम नंबर वन पोजिशन पर रैंक कर रहे हैं, इसके लिए यहाँ फर्क देख सकते हैं। हमारा कितने सारे फोटोग्राफ्स है, 335 है, जहाँ पे हमारे टाइप के जो कंप्यूटेटर्स है उनका अराउंड 28 फोटोग्राफ्स है। तो कंपैरिजन यहाँ पे बहुत ही बड़ा फर्क है, तो ये आपको समझ आना चाहिए। अब यहाँ पे और एक चीज आप देखिए, फोटो व्यू लिखा हुआ है, आपका फोटो व्यू हमेशा ज्यादा होना चाहिए आपके कंप्यूटेटर्स के कंपेरिजन में। यहाँ देखिए यू, यानी हमारे इस बिजनेस का जो फोटो व्यू है वो 23,700 है, और बिजनेस लाइक यू यानी हमारे कंप्यूटेटर्स के जो है वो अराउंड 3,500 जैसे है। सो यहाँ पे फोटो व्यू आपका हमेशा ज्यादा होना चाहिए, यानी अगर आप क्वालिटी फोटो डालेंगे, फ्रिक्वेंट फोटो डालेंगे, तो ऐसे केस में चांसेस है कि आपका फोटो व्यू ज्यादा होगा। आप फोटो डालेंगे ही नहीं तो व्यू कैसे होगा? और आपने महीने में एक बार डाला या साल में एक बार डाल दिया था तो ऐसे केस में आप रैंकिंग करना मुश्किल हो जाएगा। इसके लिए फोटो जितना ज्यादा डालेंगे, मैं इसके लिए नीचे से बता रहा हूँ, आपका फोटो का क्वांटिटी जितना ज्यादा होगा, आपका फोटो का ओरिजिनलिटी जितना ज्यादा होगा, आपका फोटो का व्यू उतना ज्यादा होगा। तो ये भी रैंकिंग फैक्टर में बहुत ही मैटर करता है। सिमिलरली यहाँ आप देख सकते हैं कि दिन में एवरीडे आपका पॉपुलर टाइम कौन सा है, कौन से टाइम पे ज्यादा लोग आपका सर्च कर रहे होते हैं, आप उसी टाइम पे पोस्ट कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पे हम देखते हैं मंडे, यहाँ पे देखिए मंडे को आपका 3 PM टू 5 PM यहाँ पे दिखा रहा है। सिमिलरली अगर हम ट्यूसडे करते हैं तो ट्यूसडे को आप यहाँ पे देख सकते हैं अराउंड 5 PM जो सबसे पिक टाइम है। तो हम जो पोस्ट करते हैं यहाँ पे गूगल बिजनेस प्रोफाइल पे, तो आपका पोस्टिंग टाइम भी आप इसके हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं। इस तरीके से आपको पूरा का पूरा ये समझना पड़ेगा, ये जो आपके जो एनालिटिक्स है ये आपको पूरा का पूरा समझना पड़ेगा। यहाँ पे और एक चीज मैं अगर आपको दिखाऊं, यहाँ पे सी न्यू प्रोफाइल पे अगर हम क्लिक करें, यहाँ पे आपको एक इम्पोर्टेंट चीज मैं दिखाना चाहूंगा। यहाँ आप देखिए कि कौन से कीवर्ड्स पे जो है ना आपके सर्चेस हो रहे हैं, यानी लोग आपको कौन से कीवर्ड्स पे सर्च होके आ रहे हैं। देखिए ये देखिए ये सारे कीवर्ड्स पे लोग हमको सर्च करके आ रहे हैं और यहाँ पे इसके क्वांटिटी भी दिखा रहा है। तो इसका मतलब ये है कि आपके इंडस्ट्री के रिलेटेड जो रेलिवेंट कीवर्ड्स है वो आपको जब आप पोस्ट करते हैं वहां डालिए, डिस्क्रिप्शन पे डालिए। आप किसी से अगर आपके कोई एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स है वहां अगर आप रिव्यू डालते हैं तो वो रिव्यू में आप कीवर्ड्स ऐड करवाइए जो आपके इंडस्ट्री, आपके प्रोडक्ट्स या सर्विसेज के रिलेटेड जो रेलिवेंट कीवर्ड्स है। तो फ्रेंड्स ये था मेरा 5 टिप्स, यानी 5 ब्रह्मास्त्र है। तो इसको यूज करके आप आपके बिजनेस को डेफिनेटली रैंक करा सकते हैं, क्योंकि लास्ट 5 साल से हमारे बहुत सारे डिफरेंट लोकेशन पे हमारे बिजनेस है
जिसको हम रैंक करा रहे हैं। इसके अलावा हम हमारे क्लाइंट्स के बिजनेस को भी रैंक करा रहे हैं। अगर आपको आपके गूगल माई बिजनेस या गूगल बिजनेस प्रोफाइल को रैंक कराने में कोई दिक्कत है तो आप डेफिनेटली आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, मुझे इंस्टा में डीएम कर सकते हैं, या फिर मुझे आप लिंक्डइन में पूछ सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कमेंट्स ज़रूर करना। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके कोई फ्रेंड्स के काम के है तो प्लीज़ उनको शेयर करना। हाँ फ्रेंड्स, एंड में अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस टाइप के टेक्निकल वीडियो कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट में आपके लिए लाते रहते हैं। इस टाइप के और क्या वीडियो चाहिए आप मुझे प्लीज़ कमेंट्स में पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई दिक्कत है आप मुझे इंस्टा में डीएम कर सकते हैं और मुझे लिंक्डइन में भी डीएम कर सकते हैं। जो हमारे इंस्टा के आईडी है या लिंक्डइन के आईडी है वो आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएंगे। चलिए फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए गुड डे।